भूकंप से हिला उत्तर प्रदेश, पाकिस्तान में था केंद्र, कई राज्यों में बड़ा असर। दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में आज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भारत के अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के भी एक हिस्से में भूकंप आने की खबर है। पाकिस्तान के अखबार द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार खैबर पख्तूनख्वा से लेकर पंजाब तक झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.7 आकी गई है। इस भूकंप का केंद्र डेरा गाजी खान के पास माना जा रहा है। यह भूकंप धरती से 10 किलोमीटर नीचे थे, जिसके चलते ऊपर तीव्रता कम देखी गई। फिलहाल भारत, पाकिस्तान या अफगानिस्तान समेत कहीं से भी किसी तरह के जान या माल के नुकसान की खबर नहीं है। इस भूकंप के झटके दिल्ली, पश्चिम UP, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और पंजाब समेत कई राज्यों में महसूस किए गए हैं। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप आने का समय 12:58 दर्ज किया गया है। सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप की तीव्रता 6 से कम रहे तो ज्यादा खतरा नहीं रहता है, लेकिन इस भूकंप का केंद्र जमीन से ज्यादा नीचे नहीं था, ऐसे में यह खतरनाक भी हो सकता था। फिर भी अभी तक कहीं से भी जान या माल के नुकसान की खबर नहीं मिली है। अमेरिकी जियोलॉजिकल सर्वे का कहना है कि भूकंप की तीव्रता 5.8 नहीं बल्कि 5.4 थी। इसका असर पाकिस्तानी पंजाब के ज्यादातर शहरों में दिखा है। इनमें मियांवाली, खानेवाल, तोबा टेक सिंह, गुजरात, सरगोधा और झांग शामिल है। इसके अलावा राजधानी इस्लामाबाद, मुल्तान और लाहौर में भी भूकंप के झटके लगे हैं। वहीं खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर के अलावा स्वात घाटी, उत्तरी वजीरिस्तान आदि भी भूकंप आया है। बता दें कि 29 अगस्त को भी भूकंप आया था, जिसका केंद्र अफगानिस्तान में पाया गया था।